नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना अंतर्गत गोदवाली में स्थित त्रिमूला इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई दूसरे जिलों से काम की तलाश में आ रहे हैं। उनकी कोई जांच नहीं, कोई क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं, ना ही किसी मजदूर या अधिकारियों की थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजरिंग की कोई व्यवस्था है। आए दिन कटनी, जबलपुर, बालाघाट, भोपाल, हरियाणा इन क्षेत्रों से पलायन कर आ रहे लोग अधिकारियों और कंपनी के आला अफसर जैसे कि जीएम पद पर कार्यरत श्रीमान कमल पाठक, जिसे बातचीत करने के दौरान पता चला कि कंपनी में किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, नहीं हो पाएगी। उनका कहना है कि कंपनी घाटे में चल रही है, जिससे यहाँ पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सकते। जैसा कि विदित है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, जिससे कल ही एक बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था, जहाँ किसी की जान की कोई परवाह नहीं। जिसे काम करना है वो करे या काम छोड़कर चला जाए, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस विषय पर थाना प्रशासन, सरकारी अधिकारियों, प्रदूषण विभाग, किसी के कान में कोई भनक नहीं। कमल पाठक जी का कहना है कि कंपनी दो हिस्सों में काम कर रही है, इसलिए कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। आज के दिन त्रिमूला इंडस्ट्री में चार व्यक्ति कटनी से आए हैं, उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। उन्हें त्रिमूला के कैंपस में आने दिया गया। कंपनी में प्रदूषण और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में बात करने से और पत्रकारों से मिलने से कंपनी के आला अधिकारी किनारा काट रहे हैं। लोग तुमने पूछा कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, पास पूछा दिन होना पड़ेगा जी सर। और हम लोग को मेडिकल वेडिकल लिया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकती है। आप लोग अभी कटनी से ऐसे आ रहे हो, वहाँ से आपको कोई प्रशासन की सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि आपको यहाँ पे जाना है, क्या करना है? जी सर। तो उसको एक बार दिखा सकते हैं? जी सर, वो जॉइन लेटर दिखा दीजिए। जॉइनिंग लेटर नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, थर्मल स्क्रीनिंग से बहुत नहीं है। आपको अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, थर्मल स्क्रीनिंग से उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्वारंटाइन के लिए नहीं बोला गया? होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। एक्चुअली हम लोग पहले राजस्थान से जब लौटे थे लॉकडाउन के टाइम, तो हमने एक बार करा रखा है कोविड टेस्ट, वो नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। कब आए थे राजस्थान से? मार्च 22 से तो लॉकडाउन चालू हुआ है, तो आप मार्च में करा? नहीं मतलब अप्रैल मंथ, मई में निकले थे हम लोग वहाँ से, मई में राजस्थान से आप निकले थे, तो उसके बाद हम लोग नहीं कराया। फिर घर पे फिर ऐसे कीजिए, आपको दिखा दीजिए, उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, कोई सिम्टम नहीं थे, कोई सर्दी खांसी नहीं। यहाँ पे तो विदाउट टेस्ट के भी लोगों को कोई सिम्टम नहीं रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो भी कोविड 19 हो जा रहा है, लोग सब एडमिट है हॉस्पिटल में, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और आपको वहाँ से आने दिया गया सबसे बड़ी, क्योंकि पूरा कटनी लॉकडाउन है, अच्छा भैया। सिंगरौली के बॉर्डर पे किसी ने आप लोगों को रोका? तो मतलब बॉर्डर पे आपको क्या बोला गया? कुछ नहीं बोला गया, बोला गया कि आपको रास्ते में कहीं नहीं उतरना है और आप कहाँ से आए हैं तो हम कागज दिखाए, जब बॉर्डर कंपनी का उनको बताया जी, तो बोले कि आप डायरेक्ट आए हैं तो आप जहाँ जा रहे हैं तो रास्ते में उतरना है, अच्छा मिलना नहीं है आपको ऐसा। और उन्होंने स्क्रीनिंग की आपकी जी, सैंपल भी लिए हैं आपके, ठीक। अगर आप यहाँ रुकते हैं जी तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये सूचना उन लोगों ने दी जी बॉर्डर पे, ये सूचना उन लोगों ने दी कि अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा? ये सूचना बॉर्डर पे आप लोगों को नहीं मिला? वो चेक कर लिए हैं बॉर्डर पे। कौन से बॉर्डर पे चेक हुआ आपका? वो पहाड़ के ऊपर पड़ा सर, गांव का नाम नहीं जानता। अच्छा अच्छा, बैरियर वगैरह लगा था? बैरियर लगा। पुलिस वाले थे जी? ठीक है, धन्यवाद।